भागवत भगवान की है आरती, अप्रियो को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। से है तारती कर पूर्वम करना पारम संसार सारम मुझे तहारम सर्वसंतम निर्यार विंदे बाबम भवानी सहित जगम शांत पृथ्वी शांतिरभ शांतिरुखदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम जगदीन जगन्मय जान्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सशान्तरपूर्वे साध्यः शान्तिदेव। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शिवांति कामकुलजां पटपाटलाब्जे पुण्ये गजामि गरधीररसारपुष्पे बिभ्रप्रभालतुलसी जरमाञ्जरेपि तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध।
नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत भगवान की, सुखदेव महाराज की, तुलसी महारानी की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सर्वे। शरण्यं
भवाब्धि प्रणत भवाब्धिपूत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण और जय जय नवल किशोर। हो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मैं आयो तुमरी शरण प्रभु तुम हो सर्वाधार धार में प्रभु की खींची लगाए देव पा। भूली माँ के बिहारी लाल की जय। भूली भागवत भगवान की जय। भूली व्यास जी महाराज की जय। भूली सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय। मंच पर आसीन श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कठिन तप से संयुक्त विप्रगण श्री विष्णुदास जी के साथ आचार्य विष्णुदास जी के साथ जो संगीत पर साथ निभा रहे हैं परीक्षित रूप में विराजमान श्री मंगत राय जी गर्ग उनके बामंग में विराजमान परम सौभाग्यशालिनी श्रीमती सीतारानी जी उनका प्रिय परिवार श्रीमद् भागवत के मधुर श्रोता सभी के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को मैं भूरि भूरि प्रणाम करता हूं। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में श्री जितेंद्र शर्मा जी जो जय पारस चैनल के हेड हैं पधारे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात उन्हीं के साथ सीनियर एंकर श्रीमती शालिनी सिंह जी पधारी हैं। मैं फरीदकोट की पावन भूमि बाबा फरीद की पवित्र गोद में और इस श्री राधा कृष्ण धाम के पावन प्रांगण में इस मंदिर में इस भव्य भागवत के आयोजन में आपका हार्दिक फरीदकोट की तरफ से फरीदकोट की समस्त जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करने से पूर्व अपने हृदय रूपी आंगन को परमेश्वर के पवित्र नाम से मार्जित करते हैं और फिर भगवत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
ही पुराना नित्य का गुनगुनाने के लिए, जो सदा सदा के लिए हमारे हृदय में विराजमान हो जाए ऐसा प्यारा भजन, भुक्ति भी देने वाला मुक्ति भी देने वाला, आइए गुनगुनाते हैं सभी। अश्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
पे नहीं भगवान नाचते नहीं से ले रहे थे और छठवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास नंदन पावनी कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित के लिए। यही पवित्र कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। वही पावनी कथा इस पावन श्री राधा कृष्ण धाम में श्रवण कर रहे हैं। श्री गोवर्धन भगवान का पूजन किया गया, इंद्र कुपित हुआ। इंद्र ने सभी मेघों को आज्ञा प्रदान की कि जाइए। एक छोटा सा ग्वाल का बालक कुछ चमत्कारी हो गया और उसने मेरी पूजा रुकवा करके अपनी पूजा करा डाली, पत्थरों की पूजा करा डाली, पहाड़ की पर्वत की पूजा करा डाली। चारों तरफ से काले बादल जैसे प्रलय काल के बादल होते हैं ऐसे उठे और उठने के बाद ब्रजमंडल को चारों तरफ से घेर गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी, ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे, क्या करना चाहिए। भगवान की शरण में गए, कहा प्रभु कुछ करिए, ब्रज को बचाइए, कैसे बचाया जाएगा। भगवान कहने लगे मैं क्या बचाऊंगा भैया, जिस गोवर्धन की आपने पूजा की उसी गोवर्धन भगवान को प्रार्थना करो। ब्रजवासियों ने आंख बंद गोवर्धन भगवान की प्रार्थना की,
इतने में क्या देखते हैं कि इकन्नी उंगली पर गोवर्धन धारण किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं जल्दी से जल्दी अपने गाय बछड़े बैल गाड़ियां जो भी है सब लेकर के इसके नीचे आ जाए। मूसलाधार वर्षा होने लगी, भगवान ने गिरिवर धारण किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। सुदर्शन चक्र सारे जल को सोखता गया, हार गया इंद्र थक गया, सारे मेघ थक गए, लेकिन ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा। जब इंद्र ने देखा अब तो बह गया होगा जमुना जी में सारा ब्रज मंडल, देखने के लिए आया तो वहां तो धूल उड़ रही है। भगवान ने पुनः स्थापित कर दिया गिरिराज महाराज को। तब इंद्र ने भाव समझा और इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, परिक्रमा की, अभिषेक किया भगवान का अपने हाथ से, क्षमा करके क्षमा मांग करके भगवान से चला गया। वायदा कर लिया भैया दुनिया में कहीं कुछ भी हो ब्रजमंडल में कभी अकाल नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो एक चर्चा का विषय बन गया। सभी ग्वालवाल कहने लगे एक दिन इकट्ठे होकर के, भैया पूतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, कालीनाथ को नाथ लिया, बड़े बड़े दुष्टों का संहार कर दिया, दावानल का पान कर लिया, नंदराई जी ये तुम्हारा बच्चा है कि कोई बवंडर है? सत्य बताओ ये बच्चा कहां से लाए, ये बच्चा किसका है? नंदराई जी ने कहा भैया इतना तो मैं जानता नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जब इसका नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे तो वो कुछ और ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि ये वसुदेव का पुत्र है, ये साक्षात नारायण है। पर सत्य सत्य बात पूछनी है तो कृष्ण से ही क्यों नहीं पूछा जाए? चौपाल पर भरी पंचायत में भगवान को बुलाया गया। भगवान से पूछा, बेटा तुमने इतने इतने बड़े काम कैसे कर दिए, वो भी छोटी उम्र में? देखो गिरवर धारण किया, इतने इतने बड़े काम किए, कैसे किए तुमने? तो भगवान कहते हैं, अरे मैंने थोड़े ही किए, तो किसने किए? कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। पहले तो घर घर का माखन खाया ना, उसकी भी ताकत आई, फिर जो गोपों ने मेरा मदद की, मेरी मदद की। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ माखन का बल, कुछ गोपों ने डंडे लगाए अपने अपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई इसमें बड़प्पन नहीं है। सब सोचने लगे ठीक है, हो सकता है। एक दिन क्या होता है, एकादशी का व्रत आया। पहले दिन में एक बात बता रहा था, शायद आपको याद हो, कि धरती पर कुछ सार है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशेष हैं, स्वर्ग में भी नहीं है। वो क्या है? एकादशी व्रतम गीता परतम दाम्ब तुलसी दलम पादांग नाम ना मरणे मुक्ति दानी छे। एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, गंगा जी का जल, तुलसी का दल, प्रभु का चरणामृत,
ये पांच चीज धरती पे सार है, इनका सेवन जिंदगी में जरूर करना चाहिए। धन्य है वो इंसान जो एकादशी का व्रत करता है। तो एकादशी का व्रत, एकादश्याम निराहार समर्दच्च जनार्दनम स्नातु नन्दस्य कालिन्द्राम द्वादश्याम जलमाविशे। एकादशी का निराहार व्रत किया नंद राय जी महाराज। द्वादशी वाले दिन स्नान करने के लिए बड़े रात में ही उठ गए। ज्यादा खुशी होती है तो नींद नहीं आती है, ज्यादा खुशी होती है तो भी नींद नहीं आती। अब ज्यादा खुशी क्यों नहीं होगी भाई, जिसके घर में तीन लोग का मालिक पुत्र के रूप में बैठा है, जिसके घर में नारायण पुत्र बन के आया है, अरे खुशी का कोई ठिकाना हो सकता है? रात को नहीं सोए, बड़ी रात चले गए जमुना जी में नहाने के लिए। जमुना जी के मध्य में वरुण के कुछ अनुचर पहरा लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य अर्धरात्रि पर स्नान कर रहा है, तो वो पकड़ करके वरुण लोक में ले गए नंद राय जी। नंद राय जी जब लौट के नहीं आए तो चिंता का विषय बन गया। भगवान श्री कृष्ण गए, उनको पता लग गया कि वरुण देव के अनुचर ले गए हैं। सीधे वरुण लोक में पहुंचे। जैसे ही वरुण लोक में जाकर के प्रभु ने पांचजन्य शंख बजाया, वैसे ही सामने बहुत सारी सामग्री लेकर के, स्वागत का सामान लेकर के वरुण देव उपस्थित हो गए, प्रार्थना करने लगे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र शूयसे माया लोकषष्ठी विकल्पना। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में वंदन करता हूं। परमेश्वर, तुम्हारे चरण कमलों का जो ध्यान कर लेता है, तुम्हारे चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, वो माया से बच जाता है। जैसे माताएं बहनें पहले चक्की पीसती थी, सारा कनक सारा गेहूं आटा बन के बाहर निकल जाता था, लेकिन कोई दाना किल्ली से चिपक जाता वो बच जाता, पिसता नहीं था। ऐसे ही परमात्मा रूपी किल्ली को जो जीव पकड़ लेता है, वो आपकी माया से बच जाता है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, अरे दो पाटन के बीच में सावत बचान को। वही बात वरुण जी यहां कह रहे हैं, अनाजानता माम के नमूड़ा आनताय विवेदिन आनतीयम तव पिता तव भवान चंत मैयसी। जानते नहीं थे मेरे पुत्र, अनुचरों को पता नहीं था कि भगवान के पिता है, गलती कर बैठे थे। ले आए प्रभु, उसके लिए पहले तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि गलती मेरे अनुचरों ने की है, इसलिए प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु, आपके पिताजी की खातिर तवज्जह खूब हमने की है, यहाँ पर आप ले जाइए। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, वरुण लोक से अपने पिताजी को वापस लेकर के आ जाए। परमात्मा की सुंदरता, ईश्वर की सुंदरता, भगवान की सुंदरता इतनी सुंदर है भगवान कि हर वस्तु उनकी मधुर है। क्या रसना देखो, क्या नेत्र देखो, क्या नासिका देखो, क्या अधर देखो, क्या दंतपत्ति देखो, सब पूछा जाए तो इस आनंद का अनुभव रसकान ने किया। नित्य प्रति दर्शन करता जाति का मुसलमान, लेकिन भगवान ने मोह ली, क्योंकि मधुरता परमात्मा की इतनी सुंदर है, इसका कोई कहना ही नहीं है। तो जब से कथा शुरू हुई है, हमने मगर आज तक नहीं गया है।
आइए बड़े प्रेम से मधुराष्ट्र को बुलाते हैं। वाके बिहारी लाल की जय। Hey, 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 hey.
गोपी मधुरा लीला मधुरा करते हैं जिसको भागवत का प्राण कहते हैं रास पंचाध्यायी और इसमें आनंदित गोपी गीत बड़ा सुंदर इसमें सार है कुछ बातें रुद्र गीत गोपी गीत भ्रमर गीत और इसके अलावा एक श्लोक बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम भागवत के ये सार तत्व हैं। रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है जैसे शरीर में प्राण ही मुख्य होते हैं ऐसे ही रास पंचाध्यायी भागवत का मुख्य अंग है। रास पंचाध्यायी को समझने के लिए बुद्धि भी परिपक्व चाहिए तर्क जरूर करनी चाहिए किसी बात के लिए क्योंकि समझ में आए लेकिन कुतर्क कभी नहीं करनी चाहिए। तर्क और कुतर्क में अंतर क्या है? तर्क होती है हम एक कपड़ा खरीद के लाए किसी दुकान से लेकर के दर्जी को दे दिया और दर्जी ने सुंदर बगलबंदी बना करके तैयार कर दिया ये है तर्क। काटा है कैंची चलाई है और काट के कैंची चला के उसको सुंदर बगलबंदी तैयार कर दी बना पहनी बड़ा सुसज्जित हुआ शरीर लेकिन वही कपड़ा ला करके हमने अलमारी में रख दिया और उसमें घुस गए गणेश जी के बाहर चूहा जी चूहा प्रवेश कर गए और उन्होंने कुतर दिया उन्होंने भी काटा दर्जी ने भी काटा दर्जी ने काटा बगलबंदी बना दी लेकिन चूहे ने बताया काटा तो रूमाल भी नहीं निकला। चूहे का काटना है कुतर्क और दर्जी का काटना है तर्क। तर्क करो कोई बात नहीं समझो कोई बात समझ में नहीं आती है जरूर समझना चाहिए। राज पंचाध्यायी में परीक्षित ने भी ऐसा प्रश्न किया था जिसका कुशलता पूर्वक जवाब जो है
सुखदेव जी महाराज ने दिया। तो जब चीरहरण लीला हुई थी, भगवान ने गोपियों के और अपने मध्य में जो भी दीवाल थी सब ढा दी, और वैसे भी परमात्मा के और हमारे मध्य में कोई दीवाल नहीं होनी चाहिए। खड़ी है दीवाल बहुत सारी, कौन कौन सी? ग्रह कारज नाना जंजाला, दीवाल खड़ी है, अनेक जंजालों की दीवाल खड़ी है, बड़ी बड़ी दीवाल है भैया, भगवान को पाने के लिए निरी दीवाल है। 30 साल पहले जीरा में रहता था, पड़ोस में ही आपके जीरा कोई दूर नहीं है। हमारा तो काम है, चौकीदार है, सजग करना, लोगों को जगाना, जागिए, धर्म के पथ पर आई है, कुपंत का परित्याग करिए। कोई बहन आई हमसे पूछने के लिए ये समस्या है, हमने कहा भाई आपके सेठ जी से कहो 40 दिन लगातार भगवान शंकर पे जल चढ़ाए, समस्या सरल हो जाएगी। वो कहने लगी बहुत अच्छी बात है, तो सुलभ भी है, एक पानी से ही, एक गड़वी पानी से ही समस्या सॉल्व हो जाए, इससे बढ़िया और क्या है। मान गई। पतिदेव से कहा ऐसा करो, पंडित जी ने बताया है आप एक गड़वी पानी लेकर के नित्य भगवान को चढ़ाया करो। नहीं माना, लेकिन रोज कहती है, डेली कहती है, एक दिन मान गया। सत्य घटना बता रहा हूं, झूठी नहीं बता रहा हूं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी। तो सेठ जी ने मान लिया किसी तरह से, ठीक है तू कहती है तो चढ़ाया हूं। गड़बी में पानी लिया, चढ़ा गए, एक दिन चढ़ा गए, दो दिन चढ़ा गए, तीसरे दिन चढ़ा गए, चौथे दिन चढ़ा गए। एक दिन कोई यार दोस्त मिल गया रास्ते में, यार दोस्त कहता है अरे बड़ा भगत बना फिरता है यार, रोज मंदिर जाता है डेली, बस इतना तो कहा, गड़वी चला करके मारी, ये ले पकड़, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगा। लोग भगत कहने लग गए मेरे से, बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं आया 10-15 दिन बाद, वो घर वाली उसकी मिली, मैंने कहा लाला जी आने लगे थे फिर बंद कैसे हो गए? अरे की पूछो ना जी, किसी ने छेड़ दिया, भगत जी कह दिया, बंद हो गए, गड़वी चला की मार। बड़ी बेइज्जती हो गई, किसी ने भगत जी कह दिया तो। वही सेठ जी लाइन में लग करके ठेके से खरीद लाते हैं, बेइज्जती नहीं होती है, पी करके हैं, बदनामी भी होती है, बेइज्जती नहीं होती है। लेकिन मंदिर में आने से, भगत जी कहने से लोगों की बेइज्जती हो जाती है। जो काम करना चाहिए उसको नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। जिसको करने से सुख मिलता है, जिसको करने से प्रभु का सानिध्य मिलता है, उस कामों से वंचित हैं हम लोग, और जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। इसलिए ग्रह कारज नाना जंजाला, ती अति दुर्गम शैल विशाला। अरे हम कैसे जाएंगे वहां पर, हमको जगह नहीं मिलेगी, नीचे बैठना पड़ेगा, वहां ये करना पड़ेगा, वहां यो होगा, अरे हम नहीं जाते वहां पर। इन कार्यों से, इन बातों से हम बड़े बड़े सुखों से वंचित रह जाते हैं, बड़े बड़े लाभों से वंचित रह जाते हैं। वो सारी चीजें भगवान ने अपने और भगवान जो है गोपियों के मध्य में जो दीवार थी सब दीवार ढाली। ढाने के बाद भगवान ने वायदा किया कि गोपियों एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन जब होगा, कौन सा दिन? शरद पूर्णिमा का दिन,
कार्तिक प्रारंभ होता है और आश्विन समाप्त होता है। वो दिन होता है घर घर में खीर बटती बनती है, छिटकती हुई चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा प्रसन्न चित्त होकर के, क्योंकि चंद्र वंश का शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्र होकर के अमृत की वर्षा करते हैं। वर्षा वो अमृत रूपी खीर में पड़ती है, समस्त रोगों का नाश करती है। इसलिए वो दिन चुना भगवान ने, तो क्या होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भीक्षमरंतु मनश्चत्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान उस रात्रि आज के निधिवन में बड़े आनंदित होकर के मन में विचार आया, चलो आज योग माया का आश्रय लेकर के सुंदर कोई खेल खेलते हैं, रमण करते हैं आज। ऐसा मन में विचार करके प्रभु ने बंसी बजाई। जब बंसी बजी भगवान श्याम सुंदर की, तो होता क्या है, निसंग गीतं तदरंग धनु ब्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजंग मुनयो निर्मल चितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जैसे ही भगवान की बंसी बजी, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया मैं बंसी बजाऊंगा, आपके कानों में मधुर आवाज जब पड़ेगी मैं बंसी पर ही तुम्हारा नाम ले लेकर के पुकारूंगा, तो आप सभी चले आना। एक बार बोलो बांको बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से प्रभु ने जब बंसी बजाई, गोपियां जिस अवस्था में थी, कोई दूध दुह रही थी दोहते ही गाय को छोड़ दो, कोई लेपन कर रही थी मिट्टी और गाय के गोबर से वैसे ही छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रही थी एक आंख में अंजन लगाया एक में नहीं लगाया वैसे ही चल चल, कोई अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी थी वैसे ही छोड़ के चल दी, कोई दूध पिला रही थी बच्चे को वैसे ही छोड़ के चल, जो जैसे सभी छोड़ करके चल गई और जा करके भगवान मुरली मनोहर के सामने सभी खड़ी हो गई। उन्हें देख करके भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवामि वह ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम्। हे देवियों तुम्हारा स्वागत है, क्या सेवा करूं आपकी, प्रिय किम करवामि वह मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, लेकिन ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारण, अरे क्यों आई हो इस रात्रि में, रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्र निवेशिता प्रत्यातं ब्रजन्नेहं स्थेयं स्त्री विषुमध्यमा। एक तो तुम स्त्री हो, दूसरे घोर रात्रि है, तीसरे घर परिवार सबको छोड़ करके तुम यहां चली आई, मातरा पितरा पुत्रा भ्रातवा पतिश्यवा तुम्हारे किसी के माँ बाप हैं भाई हैं बच्चे हैं सबको छोड़ करके यहाँ कैसे चली आई आप इतनी घोर रात्रि में। अरे ये मत समझो कि मैं सुंदर हूं, तुम्हारे पति तुम्हें भाग्य से मिले हैं, तुम्हारे कर्मों से मिले हैं, दुशीलो दुर्बलो वृद्धो जड़ा रोग या धनो अपिवा, चाहे वो कोड़ी है कलंकी है दीन है हीन है जैसा भी है तो तुम्हारा पति, उसको परित्याग करने से तुम्हें पातक लगेगा पाप लगेगा। ब्रतिरोग बस जड़धन अंदर
चाहे वो रोगी है, चाहे वो कोढ़ी है, चाहे वो कलंकी है, चाहे वो बूढ़ा है, अरे जैसा भी है, आप अपने पति की सेवा करो। यहाँ क्यों चली आई है? अब गोपियां सोचने लगी, ये क्या हो गया, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? पहले तो प्रभु ने हमको बुला लिया, अब जो है ऐसी बात करते हैं। गोपियां कहने लगी, पहले तो प्रभु आपने बुलाया। अरे मैंने बुलाया, आपने देख लिया, वन पुष्पित देख लिया, जमुना जी के दर्शन कर लिए, अब आप अपने घर जाइए। गोपियां कहते हैं, प्राण प्यारे, हमारा न कोई धन है, न कोई कुछ है, प्रभु हम तो केवल आपसे प्रेम करते हैं, आपके अनुराग में पागल है, सर्वस्व हमारा आप है, आपके अलावा संसार में कोई नहीं। मान लेते हैं कि वो हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। आप हमारे आत्मा के पति हैं, आप हमें अपनाइए प्रभु, हमारे साथ में राज क्रीड़ा कीजिए भगवान। चित्तं सुखेन भवता पहत गृहेषु यन्यत् विशुद्धतरावलिग्रहीयकृत्या पादोपदं च न चलतप्य पादमूलात् यामा कथं रजमथो कर्मां किं भो। मेरे पाप प्रभु आपके, हमारे पैर आपकी तरफ चलते हैं, हमारा चित्त आप में बसा है, हमारा मन आप में बसा है, हमारी बुद्धि आप में बसी है। हे प्रभु, उस झूठे घर में जा करके, झूठे संसार में जा करके हम क्या आनंद लेंगे? कुछ भी नहीं है वहां। जिस जीव ने, जिस इंसान ने आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उसके लिए संसार सब मिथ्या है, झूठा है। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं गोपियों, ये बात नहीं है। तुम्हारे पति, उनका क्या होगा? तुम्हारी लोक लाज मर्यादा का क्या होगा? प्रभु, लोक लाज मर्यादा तो तभी से हमने त्याग दी जब से आपसे प्रेम किया है। इतने पर भी नहीं माने भगवान तो गोपियां कहती हैं, सुनो प्रभु एक बात बताएं हम उदाहरण से। मानते हैं कि वो हमारे पति हैं, हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सब कुछ है, लेकिन एक बात बताइए, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, पति पत्नी दोनों घर में रहते हैं, पति विदेश जाता है और कहता है अपनी घरवाली से, देख मैं विदेश जा रहा हूं। पत्नी भी पति परायण है, वो कहती है जब आप विदेश चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा, मैं क्या करूंगी, मैं आपकी चरणों का चरणामृत लेकर के नित्य अपना कार्य प्रारंभ करती हूं। हे प्रभु, मैं किसका चरणामृत लूंगी, मैं किसके दर्शन करूंगी, आपके दर्शन के बिना मेरा प्रभात नहीं होता है। तो पुरुष कहता है कि प्रिय, मैं अपना एक फोटो आपके लिए दे जाता हूं, आप इस फोटो के नित्य दर्शन करना, नित्य धूप आवृत्ति करना, नित्य इनका पूजन कर लेना, इनको भोग लगा के खा लेना, इनकी आज्ञा लेकर के काम करना, बस इतना करना। तो पति चले जाते हैं, पत्नी उनकी आज्ञा लेकर के काम करती है, सेवा पूजा करती है, आरती उतारती है, सब कुछ करती है। बड़ा समय बीत गया, एक दिन पति देव साक्षात चले आए। अब पति कुंडा कटकटा रहा है, अनाप्रतम कपाटम देही, अरे देवी दरवाजा खोलो। तो आप बताइए कि पति फोटो की वो पूजा कर रही है, क्या वो पूजा करती रहे या साक्षात पति आ गया है तो उसको अंदर करे, बताओ क्या करे? भगवान कहते हैं जब साक्षात पति आ गया तो उसी को अंदर करना चाहिए, फिर फोटो की पूजा की आवश्यकता क्या है? तो प्रभु ऐसे ही, ये तो हमारे चाम के पति हैं, ये हमारे शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो केवल भगवान आप ही हैं। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि हम उस शरीर के पति की जाके सेवा करें या हमारे आत्मा की पति आपकी सेवा करें। हे प्रभु, शरीर नहीं रहेगा तो इनसे कोई संबंध हमारा नहीं रहेगा, लेकिन तुमसे संबंध पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि आत्मा का और परमात्मा का संबंध कभी विच्छेद नहीं होता, टूटता नहीं।
भगवान ने कहा मैं तो देवियों तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आप में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है,